मतलब आतंकवादी धर्म पूछ कर लोगों को मारते हैं, ये तो हमने देखा ना, बांग्लादेश में भी देखा था, लेकिन ये पहली बार होगा संभवतः कि मजहब पूछ कर रेप करने का मामला। हालांकि इलाज हो गया, एनकाउंटर हो गया, रिपोर्ट देखिए आप। धर्म पूछकर हिंदू बेटी से गैंगरेप करने वाले आरोपियों का एनकाउंटर। उसको ये पता था कि जो उसकी सहेली है वो उसका रिलीजन मुस्लिम है, उसको बाकियों के बारे में नहीं पता, उसको दूसरी लड़की के बारे में नहीं पता था, और इसके साथ साथ बाकी और अन्य अभियुक्तों को इन दोनों के किसी के रिलीजन के बारे में नहीं पता था। क्या इमरान, जुनैद और चांद ने मजहब पूछ कर किया हिंदू लड़की से गैंगरेप? यूपी के गाजियाबाद में इन शैतानों ने जो किया है वो दिल दहलाने वाला है। क्रॉनिका सिटी में 30 नवंबर को हुई गैंगरेप की वारदात के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इस गैंगरेप की जो सच्चाई सामने आई है वो सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। आरोपी इमरान, जुनैद और चांद ने पूछताछ में बताया कि उन्होंने पीड़िता का धर्म पूछकर वैश्यपन किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी चांद को पीड़िता की सहेली ने बताया था कि वो मुस्लिम है और पीड़िता हिंदू है। चांद ने सहेली से कहा कि परेशान ना हो, तुम्हारे साथ में कुछ नहीं होने दूंगा। उससे पहले पीड़िता की सहेली के साथ खड़ा था, उसने उसकी उसकी कास्ट पूछी थी, तो जब उसने ये बताया था कि वो मुस्लिम संप्रदाय से है, तो इस लड़के ने बाकी लोगों को ये बताया था कि मैं इस लड़की को जानता हूँ, इसके साथ कोई कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन अन्य जो अभियुक्त हैं उनको इन दोनों पीड़िता तथा उसकी सहेली के बारे में, उसके रिलेशन या उसके कास्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसको ये पता था कि जो उसकी सहेली है वो उसका रिलीजन मुस्लिम है, उसको बाकियों के बारे में नहीं पता, उसको दूसरी लड़की के बारे में नहीं पता था, और इसके साथ साथ बाकी और अन्य अभियुक्तों को इन दोनों के किसी के रिलीजन के बारे में नहीं पता था। वारदात 30 नवंबर की है। दिल्ली की रहने वाली पीड़िता अपनी दोस्त और एक पुरुष साथी के साथ स्कूटर सीखने गई थी। वहीं मौजूद तीनों बदमाशों की नजर उन पर गई। इमरान, चांद और जुनैद ने पीड़िता को धमकाकर गैंगरेप किया। इतना ही नहीं, आरोपियों ने गैंगरेप के बाद अपने दो दोस्तों को भी रेप करने के लिए मौके पर बुला लिया, लेकिन तभी वहां से एक कार निकली तो आरोपी वहां से फरार हो गए, जिसमें कि पीड़िता अलग थी और पीड़िता की सहेली एवं उसका दोस्त एक साथ थे। इसी बीच वहां पे तीन लोग जो कि पास के झाड़ियों में खड़े थे, एक व्यक्ति ने पीड़िता को कब्जे में लिया और बाकी दोनों ने इसकी सहेली एवं उसके पुरुष मित्र को कब्जे में लिया। इसके पश्चात ये अभियुक्त जिसका नाम इमरान है, इसने पीड़िता के साथ गलत कार्य किया। उसके बाद अन्य दो अभियुक्तों ने, चांद तथा जुनैद ने पीड़िता के साथ गलत कार्य किया। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए। पीड़िता ने पुलिस को आरोपी जुनैद का हुलिया बताया। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने रविवार को जुनैद का एनकाउंटर कर गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर बाकी के आरोपी पकड़े गए। जिस अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया उसके द्वारा इन बाकी के चार फरार अभियुक्तों का नाम इत्यादि पता किया गया, व साथ ही जो है टीमों को सक्रियता को और बढ़ाया गया व उनकी कॉम्बिंग के लिए टीमें निकाली गई व पिकेट लगाई गई। इसी क्रम में आज रात में ही वो चार अन्य अभियुक्त निर्मोही अखाड़ा आवास विकास क्षेत्र थाना क्रॉनिका सिटी में देखे गए, और जब यहाँ पर पुलिस द्वारा उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो उनके द्वारा पुनः पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी गई, और इसमें जवाबी फायरिंग में इन चार अभियुक्तों में से एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी है और उसे प्राथमिक उपचार हेतु भेजा गया है, व अन्य तीन अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद हुआ है। गाजियाबाद में हिंदू बेटी से गैंगरेप करने वाला शैतान जुनैद अपने पैरों पर चलने के काबिल नहीं रहा। योगी सरकार की पुलिस ने उसका वो हश्र किया है जिसे देखकर यूपी में कोई मन चला दोबारा ऐसी गलती करने की कोशिश भी नहीं करेगा। योगी की ये चेतावनी उन लोगों के खिलाफ है जो बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा है।
और ऐसे लोगों के लिए योगी आदित्यनाथ का सीधा डायरेक्शन है कि अगर उन लोगों ने बहन बेटियों को छेड़ा तो अगले चौराहे पर उनका इंतजार ईहम राज करेगा।